का या 3 साल की बच्ची का गला मैं आपको अब सिलाई करने का तरीका बताने जा रही हूँ। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है स्टिचिंग कटिंग 786 विद गज़ली खान। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करिएगा। चले, 3 साल की बच्ची का ये गला है, चाहे बड़ों का हो या छोटों का हो, आपने ऐसे ही इसी तरीके से गले को चिपकाना है। ये कमीज़ की उल्टी साइड है, उल्टी साइड के ऊपर ये गला 2 इंच चौड़ाई है, 4.5 इंच इसकी लंबाई है। जैसे बड़ा होगा अगर तो उसका 6x6 होगा, तो 6 इंच लंबाई, 6 इंच चौड़ाई के हिसाब से उसको गले के उल्टी साइड पे इस चेपी को चिपका लें। मैं गले को इस एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर कभी भी नहीं चिपकाती, ठीक है ना। मैं हमेशा कमीज़ के ऊपर लगाती हूँ ताकि गला हमारा परफेक्ट बने और हमारी बिल्कुल बॉडी के साथ हो, ऐसे खुला खुला ना, लटकता हुआ ना हो। अगर आप इसके ऊपर बनाते हैं तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर लटकता हुआ रहता है, इसके ऊपर लटकेगा नहीं। अब मैं आपको देख रहे हैं, मैंने कपड़े के ऊपर चिपका लिया चेपी को। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने इसके हिसाब से ले लिया, अब इसको हम सिलाई करना शुरू करते हैं। अब इस कपड़े को हम उल्टी साइड पर रखते हैं। अगर आप न्यू कमर हैं, न्यू कमर के लिए बताने लगी हूँ, इस तरह आपने उल्टी साइड पर रखा तो न्यू कमर पहले इसकी सिलाई लगा लें ताकि जो आपकी कपड़ा है वो नीचे से आगे पीछे ना हो। ये न्यू कमर के लिए है, वैसे मेरा होता तो मैं इसको ड्रैग शुरू कर देती हूँ। इसकी मोटी मोटी सिलाइयाँ लगा के कपड़े को साथ सेट कर लेंगे ताकि अगर आप न्यू कमर हैं तो आपका गला टेढ़ा मेढ़ा ना बने। अब इसकी सेंटर से भी सिलाई लगा लेंगे। अब सेंटर से ये देख लें, जो नीचे वाला सेंटर का कपड़े का सेंटर है और इसका सेंटर है बराबर आए। आप नीचे से बार बार देख भी सकते हैं, देखने में कोई हर्ज नहीं कि बाद में आपका गला टेढ़ा मेढ़ा बने। अब ये इधर तक हमने कर लिया, अब हम इसको अच्छे से सिलाई करना शुरू करते हैं छोटे टांके के साथ। अब उल्टी साइड से हम इसके साथ साथ रख के सिलाई लगाना शुरू करेंगे। क्योंकि गले गले की तरफ जा रहे हैं। अब ये थोड़ी थोड़ी आप पीछे से पाँव उठा के फिर इसके कॉर्नर मोड़िए। अगर आप ऐसे ही इसको गोल गोल करती रहेंगी तो गला आपका टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा। नीट हो गई है ये हमारी सिलाई, मुकम्मल हो गई। अब देखें, बड़ों का है छोटों का है, लगाने का यही तरीका है। अब कटिंग करने लगे हैं, ये थोड़ा थोड़ा अंदर कपड़ा छोड़ के, न्यू कमर है पुराने हैं सबका यही तरीका होगा। एक दफ़ा आप सही से सीख लेंगे तो आपको बार बार सीखना नहीं पड़ेगा। हवा है तो जिसकी वजह से ये कपड़ा उड़ रहा है। एक मिनट, ये हम इसके लिए थोड़ा थोड़ा कपड़ा, 1-1 mm का कपड़ा छोड़ के इसकी कटिंग कर रहे हैं। न्यू कमर हो, न्यू हो, पुराने हो, सबके लिए यही सेम मेथड है। एक ही सेम मेथड प्रोफेशनल तरीके से सीखिए ताकि रोज़ रोज़ नए तरीके आपको सीखने ना पड़े। अंदर छोटे छोटे कट लगा दें। अब हम इसको सीधा करके प्रेस करके सीधा करते हैं। और ये बाहर वाला जो कपड़ा, मैं आपको ये भी आपके सामने ही कट कर देती हूँ। एक्स्ट्रा जितना हमने फोल्डिंग के लिए रखना है वो रख के कायसा से एक्स्ट्रा कपड़ा काट देंगे। हमने बाहर वाली का साइड से कपड़ा सारा काट दिया है। अब इसको प्रेस करके हम ज़रा बैठाने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास एट अ टाइम प्रेस नहीं है, इसको अच्छे से यूँ फोल्ड करें और इसके ऊपर एक एक यूँ साथ साथ सिलाई लगा लें तो भी ठीक है। हम भी इसको ऐसे ही सिलाई लगा लेते हैं डायरेक्ट ही। चलिए आए सिलाई लगाते हैं। ये देखिए, इसको साथ साथ ऐसे ही करते जाएँ, उड़ते जाएँ और सिलाई लगाते जाएँ। लोन काटन की ज़रूरत इतनी प्रेस की नहीं भी होती, बिजली की बचत करें, साथ साथ इसको ऐसे मोड़ते जाएं। उम्मीद है आपको गला बनाने की समझ बड़ी आसानी से आ गई होगी। कोई भी आपका कपड़ा है, अपना गला है, वैसे ही लगाएंगे। मैं डिज़ाइनर गला बनाऊँ, कट वाला फ्रंट लगा के गला को बनाऊँ, मैं ऐसे ही बनाती हूँ ताकि गला जो है वो ऊपर से टाइटली बने। हमेशा जब भी गुलाई करें तो बार बार पीछे से उठा के करें, वरना गले टेढ़े मेढ़े बन जाते हैं। कसूर आपका ही होता है, लेकिन आप कह रहे थे हमने आपको टोटल फॉलो किया। ये देखिए, देखिए आप देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा गला जो है वो तैयार हो चुका है। एक्स्ट्रा हम कपड़ा इसके साथ काट देते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक इसकी समझ आ गई होगी। बैक साइड पे आप इसकी तरपाई कर सकते हैं, इसको फोल्ड करके सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं, तो लेकिन बेहतर है कि आप इसके बैक साइड पे तरपाइयाँ कर लें। अब मैं आपको थोड़ी सी तरपाई करने का भी तरीका बताती हूँ, इसको कैसे करना है। ये देखें, इतना इतना फोल्ड किया, ये देखें फोल्ड किया, यहाँ से टांका लगाया, ऐसे फोल्ड करते जाएंगे और
टांका लगाते जाएंगे, यहाँ से टांका लिया, यहीं पे ऊपर लगा दिया। अपने अपने तरीके हैं हारे के पाइप, ये तरपाई करने के भी, हैमिंग भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, उर्दू में इसको तरपाई बोलते हैं। तो अपने अपने तरीके हैं, कुछ यूँ भी करते हैं, यहाँ से टांका लिया और एक यहाँ से जाकर लिया, लेकिन मैं ऐसे नहीं करती, ऐसे बड़े बड़े टांके लग जाते हैं और मुझे वो थोड़ी सी ना पसंद नहीं है, और मैं यहीं ऐसे लगाती हूँ। ये देखें ऐसे लगाया, साथ से टांका लगा दिया, ऐसे चले। ये हमारी हैमिंग तरपाई मुकम्मल होने वाली है। फिर उसके बाद हमारा जो फ्रंट गला है वो बन के तैयार हो चुका है, और उम्मीद है आपको मेरा गला बनाने की समझ आ गई होगी। और अगर वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। मेरे ग्रुप में भी ज्वाइन कीजिए जहाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट सीख सकते हैं। ये देखिए हमारा ये जो गला है वो तैयार हो चुका है, छोटी बच्ची का ये हमने गला बनाया है, 3 साल की बच्ची का। बकाया बेशक आप बड़े बच्चे का भी, बड़े का जिसका भी आपने बनाना है, ये गला ऐसे ही बनेगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, ब्लैक बैक।